रहमान रहीम। आज मैं बनाऊंगी फिश। इसके लिए मैंने दो अंडे लिए हैं, एक कप बेसन, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून लेमन पाउडर, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, अदरक लहसुन हाफ टेबल स्पून, दो कुटी हुई मिर्चें और हाफ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ टेबल स्पून नमक है, नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं, अजवाइन एक टेबल स्पून, फूड कलर ये मैं सिरका लूँगी और ये दोनों सॉसें लूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। पहले अब ये अंडे लिए मैंने, इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बेसन अभी सब मसाले में इसमें ऐड करूंगी। फूड कलर सिरका दो टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड करूंगी इसमें। चिल्ली सॉस दो टेबलस्पून, सोया सॉस दो टेबलस्पून। इन सब को मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं इसमें अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पानी डालूंगी, वरना मैं इसी में ही अंडों के साथ ही से मिक्स कर लूँगी। बस ज़रा सा पानी, बस इसकी मैं आपको आज चटनी भी बनाना सिखाऊंगी फिश की, उसके साथ आप खाएं फिश बहुत मज़े की लगती है। ज़रा सा पानी और डालूंगी, बहुत गाढ़ा नहीं मैंने रखना है इसे, बस। और आप इसे मसाले लगा के कम से कम 15-20 दिन रख सकते हैं। फिश पे से मसाला बिल्कुल नहीं उतरेगा। देखिए अच्छी तरह मेरा मसाला मिक्स हो गया। अब मैं इसमें इस तरह करके फिश इस तरह करके और मैं इसे दूसरे बॉल में ऐड कर दूंगी। आपको मैं इसी तरह करके सब दिखाती हूँ। ये देखिए मछली पे मसाला लगा के मैंने रख दिया था, 3 घंटे कम से कम ये रखा मैंने। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ और फ्राई में सरसों के तेल में करूँगी, हल्की आंच में बिल्कुल, तो मछली ज़्यादा अच्छी होती है। आपको मैं मछली के साथ आज चटनी भी बनाना बताऊंगी। चटनी इसके साथ जो खाई जाती है बहुत मज़े की होती है। चले बस अब मैं इतने मेरी मछली फ्राई होगी इतने मैं आपको चटनी बताती हूँ। चटनी के लिए खुबानी ली थी मैंने खुशक, इसको मैंने भिगो दिया, इतने ही मैंने टेबलस्पून के करीब भर के खुबानी ली थी। और 3 टेबलस्पून के करीब इमली का पेस्ट है, ये गुड़ है ये भी 4 टेबलस्पून के करीब, कुटी हुई मिर्चें, खुशक पुदीना है ये, नमक है और काला नमक। अब मैं सबसे पहले खुबानी पकाऊंगी। ये मैंने भिगो दी थी 2-3 घंटे के लिए तो ये नरम हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखें इसको मैंने 10 मिनट तक पका ली अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें इमली का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसमें ये गुड़ का पेस्ट डालूंगी। साथ में नमक
पुदीना बिल्कुल हाथ से ना इस तरह हम बारीक कर लेंगे और ये इस तरह इसमें डाल देंगे। फिश भी देखें कंप्लीट हो गई, ये भी अब इसको भी मैं निकालती हूँ। देखें मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा, कुरकुरी टाइप की फिश तैयार हुई है। ये देखिए मछली फ्राई हो गई, इसको मैं निकाल लूंगी। अब परसों के तेल में मछली बहुत अच्छी फ्राई होती है। मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरा इसके ऊपर से, बहुत जबरदस्त मछली बनके तैयार हो गई। अब मैं इसके ऊपर लेमन डालूंगी और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। थोड़ा थोड़ा इसमें चाट मसाला डालेंगे हम। और चटनी भी देखिए बनके तैयार हो गई है और इसे मैं निकालूंगी। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप पकौड़ों वगैरह के साथ भी इसे चटनी को खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है ये। देखिए इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपी में मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।